अब तक यूक्रेन पर एटमी अटैक की वार्निंग दी जा रही थी। अब तक क्रेमलिन से परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी। अब तक यूरोप के संपूर्ण विनाश की चेतावनी जारी की जा रही थी। मगर अब पुतिन के न्यूक्लियर चक्रव्यूह से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप तक की तबाही का विनाशक प्लान सामने आया है। वॉर जोन में एटमी महाप्रलय से जुड़ा ब्लूप्रिंट लीक हुआ है जो बेहद ही खौफनाक है। पहली बार रूस और बेलारूस वाले वॉर फ्रंट से न्यूक्लियर अटैक का अलार्म बजा है। पहली बार कई मुल्कों के विनाश की आशंका जताई जा रही है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। लंदन के IISS संस्थान के निदेशक अल्बर्ट का दावा, रूस के टैक्टिकल वेपन्स के टारगेट पर यूक्रेन और यूरोप। ऑक्सफोर्ड के CRI डायरेक्टर मार्क एलमंड का दावा, यूरोप की तबाही को अब अमेरिका भी नहीं रोक सकता। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के चीफ किरिल बुडानोव का दावा, ज़ेपोरिज्या न्यूक्लियर प्लांट पर विस्फोट की तैयारी में है रूस। कुछ वक्त पहले खबर सामने आई थी यूक्रेन की मदद के लिए रूस पर दबाव बनाने के लिए महाशक्ति अमेरिका ने अपने महाविनाशकों के खेप यूरोप पहुंचाई। यूरोपीय कंट्री में अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद पहले से कई गुना बढ़ाई, लेकिन अमेरिका एक्शन में आता। यूरोप नेटो के देश जंगी तेवर दिखाते, उससे पहले ही रूस ने संपूर्ण यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के कुछ देशों को नक्शे से मिटाने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है, और इसके लिए रूस ने अपने न्यूक्लियर विनाशकों के खेप बेलारूस में सप्लाई कर दी है। बस फिर क्या, पुतिन का यही प्लान अब यूरोप के लिए महाखतरे का अलार्म बजा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि किसी भी वक्त पुतिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं, किसी भी वक्त एटमी ट्रिगर दबा सकते हैं, किसी भी वक्त परमाणु मिसाइलों से हमले का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम वॉर एक्सपर्ट्स, युद्ध पर पैनी नजर बनाकर रखने वाले संस्थान खुलेआम ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन और यूरोप को पुतिन के एटमी प्रकोप से अब कोई भी बचा नहीं सकता। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल मौजूदा वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन 3 पॉइंट से यूक्रेन और यूरोप पर सीधा हमला कर सकते हैं जो कि रूस और बेलारूस में मौजूद है। पहला अटैक पॉइंट बाल्टिक सी के मुहाने पर मौजूद कैलिनिनग्राद है, जहां रूस ने इस्कंदर एम मिसाइल को तैनात कर रखा है। अगर पुतिन ऑर्डर देते हैं तो कैलिनिनग्राद में तैनात इस्कंदर एम मिसाइल 500 किलोमीटर के इलाके में भीषण तबाही मचा सकती है, जिसमें बाल्टिक देशों के साथ साथ कई यूरोपीय देश भी चपेट में आ सकते हैं। वहीं दूसरा अटैक पॉइंट बेलारूस है, जहां पुतिन ने शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हैं, जिसमें शामिल है टोचका मिसाइल जिसकी पारक क्षमता करीब 120 किलोमीटर है। अगर बेलारूस ने रूसी टैक्टिकल न्यूक्लियर से हमला किया तो यूक्रेन पोलैंड के साथ साथ एस्टोनिया लिथुआनिया और लातविया में भी प्रचंड तबाही मच सकती है। अगर पुतिन ने रूस की सरजमी से एटमी मिसाइलों से हमला किया तो यकीन मानिए यूक्रेन के साथ साथ दर्जनों यूरोपीय देशों की बलि चढ़ जाएगी, क्योंकि अगर पुतिन ने 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली टोपोल एम मिसाइल दागी तो फिर यूरोप के नक्शे से कई मुल्कों का वजूद मिट जाएगा। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, स्लोवाकिया और बुल्गारिया भी पुतिन के एटमी प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि पुतिन ने यूक्रेन से यूरोप तक एटमी चक्रव्यूह तैयार किया है। इसका नक्शा लंदन के IISS संस्थान ने जारी किया है। IISS इंस्टीट्यूट के निदेशक अल्बर्ट ने भी दावा किया है कि पुतिन ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर यह साफ कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं, क्योंकि बेलारूस मौजूदा वक्त में युद्ध क्षेत्र का हिस्सा है जहां से किसी भी वक्त एटमी प्रलय हो सकती है।
इतना ही नहीं, ऑक्सफोर्ड के क्राइसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ मार्क एलमंड ने भी कुछ इस तरह की आशंका जताई है। मार्क एलमंड का दावा है कि पुतिन का पोलिश सीमा के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करने का फैसला यूरोप की तबाही की फुल प्रूफ गारंटी है, क्योंकि अगर रूस ने यूरोप पर एटमी धावा बोला तो अमेरिका भी यूरोप का बचाव नहीं कर सकेगा। रूस की एटमी तैयारी, यूरोप की उस तबाही से जुड़े जो भी खुलासे हुए हैं उसके बाद रूसी एक्सपर्ट और पुतिन के करीबी भी ऐलान कर रहे हैं कि अब रूस को यूरोप को एटमी रेगिस्तान बनाने में देरी नहीं करनी चाहिए, और उसके पीछे की वजह भी खास है। दरअसल हाल ही में खबर सामने आई थी कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए डिप्लीटेड यूरेनियम शेल की खेप मुहैया कराई है। ऐसे में पुतिन अमेरिका के इस कदम को गैर जिम्मेदाराना बताकर इसका हवाला देकर यूक्रेन और यूरोप पर एटमिक गैस गिरा सकते हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने तो यह तक दावा किया है कि किसी भी वक्त रूसी डिफेंस ज़ेपोरिज़्या प्लांट में भी विस्फोट कर सकता है, ताकि ज़ेपोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला रेडिएशन यूक्रेन में हाहाकार मचा दे, लाशों का अंबार लगा दे। पुतिन का क्रोध इस बात का संकेत दे रहा है कि वो हर हाल में यूक्रेन और यूरोप से न्यूक्लियर प्रतिशोध लेने का मन बना चुका है। पुतिन का मकसद सिर्फ एक है, यूक्रेन का संपूर्ण विनाश, और इसके साथ साथ यूरोप और नेटो से जुड़े वो देश जो सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे में किसी भी वक्त पुतिन अपने एटमी वेपन से उन देशों पर टारगेट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।